आर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और प्रेम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले सातिर की सोमवार देर शाम जैत गांव के जंगल में वृंदावन पुलिस से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में सातिर के बाएं पैर में गोली लगी। मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने 8 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि और प्रेम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। सोमवार शाम को मुखबिर से सूचना मिली कि सातिर वृंदावन के जैतपुर गांव में छुपा है। सूचना मिलते ही सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी की अगुवाई में टीमों ने सातिर की घेराबंदी की। पुलिस को पास आता देख जंगल में पुलिस पर सातिर ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें एक गोली उसके पैर में लगी। एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि घायल अजय राजौरिया निवासी इंदौर है, उसी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और प्रेम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इससे पहले वह नैती अस्पताल को भी बम से उड़ाने की धमकी दे चुका है। आरोपी से एक तमंचा, मोटरसाइकिल और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस हिरासत में उसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। मथुरा से ब्यूरो रिपोर्ट। जी सर, क्या घटना हुई है? जैसे आप सभी को पता है कि 8 तारीख को जो वृंदावन में प्रेम नगर है, वृंदावन में प्रेम मंदिर है, साथ ही साथ गोविंद नगर में जो केजेएस है जन्मभूमि, उसको बम से उड़ाने की एक धमकी मिली थी फ़ोन पर। तभी से हमारी अलग अलग टीमें लगाई गई थी, सर्विलांस भी लगाई गई थी, शॉट भी लगाई गई थी, थाना वृंदावन की भी टीम लगाई गई थी और गोविंद नगर की टीम लगी हुई थी कि जो भी व्यक्ति इसको धमकी दी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, गिरफ्त किया जाए। इसी संबंध में जो टीमें लगी हुई थी, आज उनको सूचना मिली कि जिस व्यक्ति ने धमकी दी है वो व्यक्ति यहीं पे कहीं है। और आज जब इसी संबंध में जो त्यौहार हैं, उत्सव हैं, आज आपको पता है ईद है और सावन का आखिरी सोमवार भी है, इसी संबंध में आज सुरक्षा व्यवस्था को लेते हुए चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान जब ये व्यक्ति आ रहा था, मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई, बताया गया, जब इसको रोकने का प्रयास किया गया, ये रुका नहीं और इसने इधर अपनी मोटरसाइकिल बढ़ा ली और पुलिस पे फायर करना स्टार्ट कर दिया। और तभी पुलिस ने भी बचाव में मिनिमम फायर किया जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी। बाद में जब उससे पूछा गया तो उसने अपना नाम अजय राजौरा बताया और उसने इकबाल किया और इंट्रोगेशन में बताया और कि वही व्यक्ति है जिसने यहाँ पर जो आपका प्रेम मंदिर है और केजेएस है उसको बम से उड़ाने की धमकी दी। ये निवासी रहने वाला इंदौर का है